हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका धनंजय सर, जुबिलेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। एवरेज का ये अपना तीसरा क्लास है। आई थिंक कि दो क्लास आप जो पहले अपलोड किए जा चुके हैं उनको आपने अच्छे से देख लिया है और उनसे संबंधित जो भी सवाल हैं अब आपको बन रहे होंगे। आज तीसरे क्लास में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पहले समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल हल करते हैं। अभी तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा, समझा, सीखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर औसत दिया हुआ है कुछ संख्याओं का और शेष संख्याओं का औसत अगर निकालना हो तो फिर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक मान लेते हैं सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग अपना नोटबुक भाई निकालो, जो कुछ लिखना हो उसको अब यहाँ से नोट करना, आप लोग शुरू कर लेना। मान लेते हैं कि अगर अपने पास दे के रखा गया है कि कोई 10 संख्या है। जी, क्लास की शुरुआत हो चुकी है, अब आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। कोई 10 संख्या है और इस 10 संख्याओं का औसत हमने निकाल लिया 50। बाद में हमें पता चला कि ये जो 10 संख्या थी, ये 10 संख्या में कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक संख्या जो अपने पास 26 होना चाहिए था लेकिन इस संख्या को गलती से लिख लिया गया 36। होना चाहिए था 26, ए होना चाहिए था लेकिन 36 लिखा गया, ये नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं औसत हम लोगों ने गलत निकाल लिया। यह औसत जो था ये सही नहीं था, ये औसत क्या हुआ, गलत। अगर संख्या ही अगर गलत हमने चुन लिया था तो यानी कि औसत भी गलत हो गया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बता दो कि सही वाला औसत क्या होगा, तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं हमें कैसे हल करना पड़ेगा, आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन को जब आपको हल करना होगा तो शुरुआत तो औसत से करेंगे जो हमारे पास दिया हुआ था, यानी कि औसत अपने पास जो दे के रखा गया है वो औसत है जी 50। अब इस 50 में आप यहाँ पे देखना कि 26 नंबर होना चाहिए था, 36 नंबर अपने पास ले लिया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने 10 नंबर यहाँ से ज्यादा लिए हैं। 26 मुझको लिखना चाहिए था लेकिन मैंने 36 लिख लिया, तो कहीं ना कहीं 10 नंबर जो है मैंने ज्यादा ले लिया। इसको मैं मुझे माइनस करना पड़ेगा, 36 से 10 को माइनस करेंगे तो ये 26 होगा, तो यहाँ से हमको करना पड़ेगा ये माइनस। और अगर माइनस अगर 10 को अगर मुझे करना है तो औसत जितनी संख्याओं का निकालना था, संख्या परिवर्तित हो नहीं रही है, 10 की 10 संख्या अभी भी है, तो इस 10 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार में तो कट ही जाएगा, यानी कि अभी हम बोलेंगे कि अपना सही औसत जो 50 नहीं हो करके 49 होना चाहिए था। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है, समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 10 संख्या अपने पास है जी और इस 10 संख्याओं का औसत अपने पास 50 निकाल के रखा गया है, लेकिन यहाँ पे गलती एक हो गई। और गलती क्या हो गई कि एक नंबर जो 36 था इसको यहाँ पे गलती से 26 लिखा गया, यानी 36 मुझे लिखना चाहिए था लेकिन 26 मैंने गलती से लिख लिया, तो इसका मतलब ये औसत भी जो है ये गलत हो गया। तो सही वाला औसत क्या होना चाहिए अगर आपसे पूछे, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का तरीका अपने पास क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे कि औसत से ही तो शुरुआत करेंगे। अपने पास औसत कितना देके रखा गया है, 50 देके रखा गया है। गलती क्या इस बार हुआ कि 36 लिखना था लेकिन मैंने 26 लिख लिया, यानी कि 10 की गलती यहाँ भी हुई है लेकिन इस बार हमें 10 को बढ़ाना होगा, लिखना पड़ेगा 36 लेकिन 26 लिखे तो 26 में 10 को ऐड करेंगे तब जाकर 36 होगा, तो यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। और 10 अगर मैं जोड़ रहा हूँ, औसत 10 संख्याओं का लेना है तो 10 से भाग तो लेना पड़ेगा, एक बार में तो यहाँ सिंप्लीफाई होगा, और इस बार औसत 50 नहीं होगा 51 होगा। क्लियर हो रखा है, बात समझ में आ रही है? एक छोटी सी चीज और भी सीख लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाते समय आपको थोड़ा सा आसान लगे। अगर कभी भी ऐसे नंबर आपके पास अगर दे दिए जाएं कि मान लेते हैं कि मेरे पास है 86 और इस 86 से अगर 68 को माइनस करना है,
ऐसी संख्याएं जहां पे इकाई और दहाई अंकों को बदल करके संख्या बनाई गई है, कोई भी दो अंकों की संख्या है जी, और दो अंकों की संख्या के इकाई और दहाई के अंक अगर परस्पर बदल जाएं, उनको अगर घटाना होगा तो इन 86 से अगर 68 को माइनस करना है तो रिजल्ट कितना होगा। वैसे घटाना आसान है, आप घटा सकते हो, लेकिन एग्जाम में उतना समय होता नहीं है कि आप छोटी छोटी जो कामों में ना आप ज्यादा समय लगा दो। तो इसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप देखो 8 और 6 का अंतर क्या है, तो आप कहोगे 2 है, इस 2 में 9 का गुना करो तो आप कहोगे होगा जी 18। आप घटा करके देख लीजिए, 86 माइनस 68 बराबर 18 होगा। समझ पा रहे हैं, अंकों के अंतर में 9 का गुना हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 71 में से 17 यानी 17 को अगर घटाना होगा तो रिजल्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर 7 और 1 का अंतर तो अपने पास 6 हो गया, घटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो अपने पास 9 और 6 का गुना करो 54, 54 आता है। तो आप कहोगे कि अगर 17 को 17 को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना होगा, 54 होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आपसे अगर बोला जाए कि मेरे पास एक नंबर हो गया जी 85, और इस 85 में से अगर 58 को घटाना हो, मुझे जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर 8 और 5 का अंतर 3 है, और 3 और 9 का अगर मैं गुना करूं तो 27 होगा, यानी कि दोनों का अंतर क्या होगा, 27 होगा। बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास आज का पहला सवाल दिया हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत है 18, यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो अब औसत कितना होगा। आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को अब आप बना सकते हो। औसत जो देके रखा गया है वह औसत है कितना जी, 18। और औसत अगर 18 है, इसका मतलब है कि शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ, हमें बोला गया कि उनमें से एक संख्या 17 है लेकिन उसे 31 में बदल दिया जाए। 17 नहीं रखना है, अब 31 रखना है, तो आप मुझे बताओ कि 17 से 31 बनाने के लिए मुझे माइनस करना होगा या प्लस करना होगा। आप कहोगे जी सर इसमें प्लस करना पड़ेगा, 17 में 17 को 31 बढ़ाना है, इसका मतलब कि मुझे 14 को जोड़ना होगा। 17 प्लस 14 यानी कि 31 से 17 को आप घटा लो, आपके पास आएगा जी क्या, 14 होगा। इसको हमें करना क्या है ना, यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन ऐड जब करेंगे तो जितनी संख्याओं का औसत अपने पास निकालना था उससे हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, और अगर हम डिवाइड करें तो 7 से 14 दो बार में कटेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 18 और 2 को अगर जोड़ लें तो आंसर कितना होगा, 20 होगा। और देखो 20 जो है वह तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में इसने देके रखा है, यह इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो रखा है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इस पे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह में जितने भी सवाल हो सकते हैं, जो जो भी यहाँ पे यहाँ वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चंस के, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है नंबर 2, कहता है कि 10 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक छात्र ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पे 64 लिख लिया और औसत 50 निकाल दिया, तो सही औसत ज्ञात करें। आप सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे जी, तो आप कहोगे कि सर औसत से ही शुरुआत करना पड़ता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग 50। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 46 मुझे लिखना चाहिए था लेकिन 64 यहाँ पे लिख लिया गया, तो क्या यह अधिक लिख लिया गया क्या, तो इस बार हमें करना पड़ेगा माइनस। अच्छा 46 और 64 का अंतर क्या होगा, अभी मैं पीछे बता के आपको आया हूँ कि 4 और 6 का अंतर 2 होगा, तो 2 और 9 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। संख्या जितनी हो ना उतना से डिवाइड करना है, तो 10 संख्या थी, 10 से यहाँ पे हम लोग भाग लगा देंगे, 18/10 का मतलब 1.8 ऐसा हम लोग पढ़ सकते हैं, और 50 से अगर 1.8 अगर घटाते हो तो
तो 48.2 आपको प्राप्त होगा, यानी इसका सही में औसत 48.2 होना चाहिए था। और यह देख लीजिए कि किस ऑप्शन में इसने दे के रखा है, पहला नंबर ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। क्लियर हो रखा है, आसान क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समय इस पे लगा नहीं रहा हूं। आपको अगर नहीं भी समझ में आए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास इसी प्रकार का है, तीसरा नंबर, कहता है कि 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 है, 14 स्टूडेंट हैं और इनका औसत 71 है। आप 71 तो पहले लिख ही लो, कहता है लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42, दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, अतः सही औसत क्या होगा। बिल्कुल स्टार्ट से आप लिखना शुरू करो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया। यहाँ पे कहता है कि एक स्टूडेंट जिसको मिलना चाहिए था 56 से, लेकिन उसको दिया गया 42, यानी कम दिया गया तो बढ़ाना होगा। यहाँ पे 56 उसको चाहिए था, 42 अगर उसको नंबर अगर मिल गया, इसका मतलब है कि उसे 14 नंबर और चाहिए। 42 में जब 14 को जोड़ेंगे तो अपने पास 56 होगा, और जोड़ने से होगा तो प्लस करना, और 14 और बटा में जितनी संख्याओं का औसत है उतना से आपको डिवाइड करना है, तो आप 14 लिखोगे। अगला जो बोला गया, कहता है 32 की बजाय, देना था 32 लेकिन दिया गया 74, इसको तो ज़्यादा दे दिया गया, तो इस बार आपको करना पड़ेगा माइनस। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 74 से मैं कितना घटा दूं कि ताकि अपने पास ये 32 हमें प्राप्त हो सके। आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, 42 को घटाना होगा, 42 माइनस करना होगा। मैं कहूँगा जी 42 आप माइनस करो, लेकिन 42 को डिवाइड भी तो करना होगा जितनी संख्याओं का ये औसत था, 14 संख्याओं का औसत था, तो 14 से आपको डिवाइड करना है, 14 से ऑलवेज डिवाइड करना होगा, क्योंकि टोटल जो कंप्लीट जो संख्या थी ये 14 ही थी। यहाँ से आप मुझे बताओ, 71 तो आप लिख ही लो, यहाँ पे 14 से 14 एक बार में कटेगा और 14 से 42 तीन बार में। इसको हल करेंगे तो ए 72 में से तीन को कम कर लें तो क्या अपने पास 69 आ गया क्या। 69 जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। और यह कहाँ पे इसने दे के रखा है, तो तीसरे वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आसान सा कंसेप्ट है, आसान से सवाल है, ज्यादा समय यहाँ पे लगाना यूट्यूब के गरिमा के बिल्कुल ही खिलाफ है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चार नंबर, जहाँ पे इसने दे के रखा गया है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है, ज्यादा बात करना है नहीं, 72 आप यहाँ पे लिख लीजिए। कहता है बाद में यह पता चला कि तीन अंक 64, 62 एंड 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे, तो गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। अभी अपने पास देखो ये तीन नंबर इसने दे के रखा है, कौन कौन सा नंबर हो गया जी, 64 है, 62 है और 84 है, सबको आप ऐड कर लो तो इसको ऐड करने पे होगा कितना, 210 होगा। यहां पे गलती क्या हो गया कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस नंबर के बदले 68, 65 और 73 लिखा गया, इसका मतलब है कि इसने टोटल लिख लिया 206। 210 लिखना था लेकिन 206 लिखा गया, यानी चार नंबर कम लिखे गए तो मुझे बढ़ाना होगा, तो प्लस कर लेना चाहिए चार नंबर, लेकिन हमें डिवाइड भी तो करना होगा जितनी संख्याओं का औसत यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स का ये औसत था, तो 40 के से हम लोग इसको करेंगे डिवाइड, 4/40 यानी कि 1/10 भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है 0.1। और अगर इसको आप जोड़ते हो तो 72.1 जो होगा ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो तो ये चौथे वाले ऑप्शन में दिया है कि 72.1, यानी कि हम लोग आसानी से इन सारे सवालों को हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कमेंट तो आप मुझे करते ही रहना, कमेंट आप लोग करते हो नहीं, आलसी तो हो ही। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कहता है 20 मदों का औसत 47 है, बाद में पता चला
कि एक मद को 62 की जगह 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तब सही औसत ज्ञात कीजिए। हमारे पास औसत कितना दे के रखा गया है, तो औसत एक कहता है 47 है। क्वेश्चन पे मैं कम ही लिख रहा हूं, आप यहाँ पे देखना कर्सर से आपको पता चलेगा। कहता है कि औसत कितना है जी, तो 47 है। अभी आपको बोला गया कि 62 के स्थान पे गलती से 26 लिखा गया, 26 होना नहीं चाहिए था, लिख लिया गया। अभी देखो इकाइयों और दहाइयों वाला मामला हो गया, तो 6 और 2 का अंतर अपने पास कितना होता है जी, तो 4 होगा। 9 और 4 का गुना करो 36, यानी कि 36 हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितनी संख्याओं का औसत था, तो 20 संख्याओं का, यानी कि 20 से तो हमें डिवाइड भी करना होगा। यहाँ पे मैं 2 से 10 बार में और 2 से 18 बार में कैंसिल करता हूँ, ताकि पॉइंट देना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाए। इसको हम लोग 1.8 पढ़ेंगे, यानी कि अगर ऐड करते हैं तो 48.8 अपना आंसर होना चाहिए। और यह देखो किस ऑप्शन में इसने दे के रखा है, पहला नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर होगा। सही जा रहा है क्लास या कुछ गड़बड़ हो रखा है ऑडियो वीडियो, आप लोग मुझे बताना। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सारणीय के गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। ज्यादा विचार करो नहीं, क्वेश्चन का फॉर्मेट आप समझ ही चुके हो। आप यहाँ पे लिखो कि औसत तो इसने 58 दिया, लेकिन 86 लिखना चाहिए था जबकि इसने 68 लिख दिया, गलती हो गई जी। लिखना था बड़ा नंबर, लिख दिया छोटा नंबर, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस कर लीजिए। इकाई दहाई का मामला हो गया, 8 और 6 का अंतर 2, गुना करो 9 से, हो जाएगा 18। जितनी संख्या थी उतना से करो डिवाइड। 100 छात्रों के बारे में बोला गया, अगर 100 से अगर डिवाइड करते हैं, इसको 0.18 हम पढ़ेंगे, अगर ऐड कर लेते हैं तो 58.18 अपना आंसर होगा। ऑप्शन पे नजर आपकी चली ही गई होगी, अपने पास कहाँ देखे इसने रखा है, पहला नंबर ऑप्शन है 58.18, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है, कहता है कि 10 मदों का औसत 80 है, 80 आप लिख ही लो, 80 हो गया। आप मुझे बताओ आगे क्या बोला गया। कहता है जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया, 50 की जगह 50 होना चाहिए था, इसी में कुछ स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है, हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझना, ज्यादा मुश्किल बात यहाँ पे है नहीं, जो कुछ है वो लैंग्वेज का ही मामला हो सकता है। कहता है 50 की जगह 60 गिन लिया गया, यानी 50 होना चाहिए था, 60 गिन लिया गया, यानी कहीं ना कहीं आपने ज्यादा ले लिया, तो इस बार आपको करना पड़ेगा जी माइनस। माइनस कितना, तो 10, 50 और 60 का अंतर 10 है, और कितनी संख्याओं का, तो 10 संख्याओं का ये औसत था, यानी कि 10 से आपको भाग लगाना है, 10/10 मतलब 1 होगा, 80 से 1 आप घटा लो आएगा कितना, तो 79, और 79 देखो तीसरा नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे इसने दे के रखा है 79, इस प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर, और 8 नंबर में इसने दे के रखा है 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया, औसत कितना हो गया जी, 15 हो गया, औसत हो गए 15। कहता है बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय, परिकलित यानी निकालते समय, एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। अच्छा, शुरुआत में मैंने ऐसा ही आपको एक एग्जांपल भी दिया था, वहां औसत बस 50 मैंने आपको लिख दिया था। कहता है 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया, होना चाहिए था 36, लेकिन अगर 26 पढ़ लिया गया तो आपने कम पढ़ाना, आपको बढ़ाना पड़ेगा, आप कर लो जी प्लस। और कितना कम पढ़ा, तो आपने 10 कम पढ़ा, 36 और माइनस 26 10 होता है। कितनी संख्याओं का औसत ये था, तो 10 संख्याओं का, तो 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 15 और 1 कितना होगा, 16 होगा। और 16 देखो तो तीसरे वाले ऑप्शन में इसने दे के रखा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कहता है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया
उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। इतना सारा लैंग्वेज पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग समझ पाते हैं कि सबसे पहले हम लोग औसत से काम लेना शुरू करेंगे। औसत है कितना जी, 11 है। यहाँ पे बोला गया कि 23 को 32 लिखा गया, लिखना था 23 लेकिन 32 लिखा गया। इकाइयों और दहाई के अंकों का अंतर हो गया, दो और तीन का अंतर एक होता है, एक में 9 का गुना करो तो 9 होगा, और हमें यहाँ पे इस बार घटाना पड़ेगा, इस बार हमें क्या करना होगा जी, माइनस करना होगा। लिखना था 23, 32 लिखा गया तो माइनस करेंगे 9 और डिवाइड करेंगे, तो 9 संख्याओं का औसत था तो 9 से भाग लगा दो। कितना आसान सा मामला है, यहाँ पे 9 से 9 एक बार में कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा, 10 होगा, और यह 10 जो है दिया हुआ है पहले नंबर वाले ऑप्शन में, यह आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है अपने पास जो 10 नंबर है, इसको मैं बना नहीं रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए एक बार, आप बना करके और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। वैसे कुछ सवाल जो आप में से कई स्टूडेंट्स व्हाट्सएप किए हैं उसको अगले क्लास में मैं शामिल कर लूंगा, क्योंकि देर से मैंने उन सारे क्वेश्चंस को देखा, संख्या भी उतनी ज्यादा थी नहीं कि एक क्लास में कंप्लीट उसको शामिल कर लिया जाए, तो थोड़े बहुत और भी सवाल आ जाते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना जिन लोगों के पास मेरे पास नंबर हो, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसको आप व्हाट्सएप कर देना, या फिर आप टेलीग्राम पे वहां भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भाई सबके पास है, तो उसको आप मैसेज कर देना, तो फिर उन सारे सवालों को एक साथ बैठा करके और उसको जो है ना मैं हल कर दूंगा इसी चैनल पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि अमन के 10 विषय का औसत प्राप्तांक जो है वो 56 था, बाद में यह ज्ञात हुआ कि दो विषय हिंदी तथा अंग्रेजी में क्रमशः 33-87 के स्थान पे गलती से 23 और 17 पढ़ लिया गया, उसका सही औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो क्वेश्चन तो आसान है ही, इसको हम लोग एज ए होमवर्क इसको शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है बना करके और इसका आंसर जो है ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है जी। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, और अगर आपका सवाल व्हाट्सएप वगैरह पे या टेलीग्राम पे अगर आ जाता है उन सारे सवालों के साथ, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले क्लास में।